अफ़ान की कॉल आई थी मेरे पास, कह रहा था कि इस बार समर्स की छुट्टियों में आप और मैं उसके पास यूएस चलें। तो तुम तो जानते हो मैं नहीं जा सकती, इतना काम है। हाँ जानता हूँ, बोल दिया मैंने उसे। अरे सैड ने पिक्चर्स भेजी हैं बच्चों की। रियली हाँ मुझे दिखाओ। सो क्यूट। ये देखो क्यूट ना। ये तो बिल्कुल अफ़ान जैसा है, क्यूट माशाल्लाह। क्यूट शक्ल मुझसे मिल रही है, दादा पे गया बिल्कुल। मिल तो रही है वैसे। हाँ हाँ देखो ओके। है ना। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने हर रंग हर लुत्फ अपने पे क्यों हराम कर रखा है? एंजॉय करो, जाओ। तो मैं पहले आपको कभी छोड़ के गया हूँ? जब छोड़ के जाऊँ? मेरे पास तो मिनाल होगी ना। मैं जिंदा हूँ भाई अभी। जब मर जाऊंगा ना आप आराम से अफान और मिनाल के साथ चल करिएगा, अभी मैं जिंदा हूँ। ऐसे नहीं कहते, इतने सालों में कितना बदल लिया तुमने अपने आप को। मेरे अंदाज मेरे रंग में ढल गए हो तुम। बस एक चीज नहीं बदली, क्या? फजूल बोलना। हाँ। आपके साथ रहूंगा ना तो अच्छा बोलना भी सीख लूंगा बहुत जल्द। वैसे अरे आपको बताना भूल गया यार, वो मेरे रकीब की भाभी का फोन आया था। कौन रकीब? अरे वो इत्तेसाम साहब। बुरी बात है, दुनिया से चले गए हम। अब वो बनने तो मेरे रकीब चले थे ना ऑब्वियसली, मगर मैं वो अच्छा हुआ आपने उनसे शादी नहीं की, आप दूसरी बार बेवा बनती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दुर्दाना पाका क्यों कॉल आया था? वो कह रही थी पैसों कि की जरूरत, भेज दिए। गुड। और कोई को? हाँ फैसलाबाद जाना है ओके और वहाँ हॉस्पिटल की एक्सटेंशन चल रही है, जाना तो होगा। मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ जाएंगे। लास्ट टाइम भी अकेला गया था मैं। चली जाऊंगी। हाँ प्लीज। डन, ओके जाऊंगी। हाँ गुड। फ्रेश एयर। फ्रेश एयर।